each some point, जैसे पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है, उसके अपने पॉइंट ए से बी की तरफ जाना है, तो एक तो शॉर्टेस्ट वे जो होता है पॉइंट बी तक पहुंचने का वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, या अगर हम इसको ऐसे कहें कि एक पॉइंट ए है और दूसरा एफ है, ठीक है जी, तो ए से आपने एफ पे जाना है, तो हम उसको किस तरह से देखेंगे कि पहले हम ए से बी की तरफ जाएंगे, बी से सी की तरफ जाएंगे, सी से जो है फिर आगे हम ई और फिर एफ की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। तो इसमें जो है ये थोड़ा सा मैं आपको जरा समझा दूं जी, ये आपका पॉइंट ए है, ठीक है जी, और ये आपका पॉइंट एफ है। अब जो सर ये वाली स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही जिस पे आप लिख रहे हैं, स्क्रीन नहीं आ रही, एक मिनट मैं जरा कर दूं जी, अब आ रही है जी सर, आ रही है सर, ये सर अब आ रही है। ए से ये आपका पॉइंट बी है, फिर आपका सी है, अस्सलाम वालेकुम सर, सर मुझे प्लीज बता दें कि क्या पढ़ रही हैं? ये हम कुछ जो है वो टर्म्स जो है ग्लॉसरी की, जॉर्ज यूल की बुक की जो ग्लॉसरी है उसकी टर्म्स हम आज करेंगे। अच्छा जी, इसमें जो है आपका पॉइंट ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर आप अगर डी ले आते हैं, ठीक है, और फिर ई है, ठीक है। तो अब जो ट्रेडिशनल वे है वो क्या है, ए से आप बी की तरफ जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, डी से ई जाएंगे, और ई से आप एफ तक जाएंगे, ठीक है। दिस इज द ट्रेडिशनल वे। और अब एक हमारे पास शॉर्टकट क्या है कि आप ए से डायरेक्ट एफ तक चले जाते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक्स में जो है वो क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट। अब होता क्या है, ये दिस इज डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द क्वालिटी, करेक्ट, वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, जिसमें क्या होता है कि दैट अलाउज यूजर टू टॉक अबाउट थिंग्स एंड इवेंट्स नॉट प्रेजेंट इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, ठीक है। लैंग्वेज के जरिए से हम ऐसी चीजों के बारे में भी बात कर लेते हैं, ऐसे इवेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि पहले हो चुके होते हैं या होने वाले होते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। जैसे मैं कहता हूं जी हमने पीपीएससी लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया, दिस इज द पास्ट टेंस, ठीक है, और इंशाल्लाह हम इस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे, दिस इज द फ्यूचर टेंस। तो व्हाइल लिविंग, व्हाइल सिटिंग इन द रूम, व्हाइल थिंकिंग अबाउट समथिंग, वी कैन बेसिकली टॉक अबाउट द प्रेजेंट एंड टॉक अबाउट द फ्यूचर एंड टॉक अबाउट द पास्ट, क्लियर होगी जी बात। तो ऐसी लैंग्वेज के जरिए से हम पास्ट में भी जा सकते हैं, प्रेजेंट में भी जा सकते हैं, और इसमें फ्यूचर में भी जा सकते हैं। तो ये जो क्वालिटी होती है लैंग्वेज की, और वो प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज की है जो कि यूजर को अलाउ करती है कि वो उन इवेंट्स के बारे में भी बात करें, आने वाले इवेंट्स से या जो गुजर चुके हैं, ठीक है। तो वो जो क्वालिटी है लैंग्वेज की उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। होप यू हैव गॉट द आइडिया, क्लियर होगी जी टर्म आप लोगों को। यस सर, यस सर। उसके बाद है आपकी डाइवर्जेंस, ये बाइलिंगुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है कि एक दो टर्म्स हैं, एक डाइवर्जेंस है और एक है कन्वर्जेंस, ठीक है। डाइवर्ज करने का मतलब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट को दोबारा एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दें। डिस्प्लेसमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज दैट अलाउज द यूजर्स टू टॉक अबाउट थिंग्स एंड इवेंट नॉट प्रेजेंट इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, कि इमीडिएट एनवायरनमेंट में जो इवेंट्स जो हैं वो जो नहीं है आपके पास, उनके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि वी कैन टॉक अबाउट फ्यूचर, वी कैन टॉक अबाउट प्रेजेंट, वी कैन टॉक अबाउट पास्ट, ठीक है। तो ये लैंग्वेज की ही क्वालिटी है जिसमें, जिसके जरिए से हम पास्ट को भी डिस्कस कर सकते हैं और फ्यूचर को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये वो वाली क्वालिटी जिसके जरिए से हम इन दोनों एस्पेक्ट्स पे बात कर सकते हैं, वो क्वालिटी लैंग्वेज की डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका जॉर्ज यूल का, उसमें करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें ये एक पॉइंट गिवन है।
ठीक है जी। उसके बाद क्लियर होगी जी बात आपको डिस्प्लेसमेंट की। देन कम्स डाइवर्जेंस जी, देन कम्स डाइवर्जेंस, अडॉप्टिंग स्पीच स्टाइल्स दैट एम्फसाइजेस सोशल डिस्टेंस बाय यूजिंग फॉर्म्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड बाय द पर्सन बीइंग टॉक्ड टू एज अ फॉर्म ऑफ स्पीच अकोमोडेशन इन कंट्रास्ट टू कन्वर्जेंस। अब देखिये, मैंने पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर हम इसको दोबारा रीड करेंगे। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है लफ्जी, अगर आप मतलब देखें, और कन्वर्ज, ठीक है जी। डाइवर्जेंस क्या है कि आप ऐसा स्पीच स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, स्पीच स्टाइल मतलब बोलने का ऐसा अंदाज आप करते हैं जिससे सोशल डिस्टेंस बढ़ता है लिसनर और स्पीकर के दौरान। फर्ज करें स्पीच अकोमोडेशन को समझ लें, स्पीच अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि मैं जो बात कर रहा हूं मैं इस वे में बात करूं कि जो लिसनर है वो मेरी बात को समझ सके। समझ आ रही बात की? तो इसको कहते हैं स्पीच अकोमोडेशन। कन्वर्सेशनल एनालिसिस जब आप करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो आप अगले अपने जो लिसनर है उसको अकोमोडेट करते हैं। अकोमोडेट कैसे करते हैं कि आप वो वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो लिसनर को आती है। अगर वो वाली लैंग्वेज आप इस्तेमाल करेंगे या वो स्पीच स्टाइल अडॉप्ट करेंगे जो कि लिसनर को नहीं पता उसके बारे में, तो फिर क्या होगा, वो आपकी बात समझ नहीं सकेगा। ठीक है जी। तो वो जो बात है ऐसा स्पीच स्टाइल दैट एम्फसिस सोशल डिस्टेंस, और उससे क्या होगा, जब वो आपको बात को समझ नहीं सकेगा तो फिर आपका जो है वो सोशल डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा बिटवीन लिसनर एंड स्पीकर, उसको डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है जी। कि आप ऐसा स्पीच स्टाइल अडॉप्ट करें जिसके जरिए से आपका लिसनर जो है वो आपकी बात को समझ ना सके, या आपके और लिसनर के दरमियान सोशल डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। और कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा स्पीच स्टाइल अडॉप्ट करें जिससे आपका लिसनर आपकी बात को अच्छी तरह से समझ सके, वो आपका कन्वर्जेंस का है। और ये दोनों जो है ये टर्म्स स्पीच अकोमोडेशन में होती है। होप यू हैव गॉट द आइडिया। अगर किसी को समझ नहीं आई तो पूछ सकता है। ओके जी, डन। थोड़ा सा दोबारा क्लियर कर दें। देखें, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ और अगर आपको मेरी बात समझ मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं जी, करें जरा। ये It is a which type of style that like हम रक्षे वाला या कुछ इस टाइप का बंदा है, जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम उसके साथ उसकी लैंग्वेज में बात करेंगे लाइक पंजाबी में बात करेंगे तो ज्यादा इजीली समझेगा। तो इस तरह हम अपने लैंग्वेज के स्टाइल को चेंज कर लेंगे, अडॉप्ट करेंगे हम उसकी लैंग्वेज को, ठीक है, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। कॉन्सेप्ट को समझा कि डाइवर्जेंस में सोशल डिस्टेंस क्रिएट होता है और कन्वर्जेंस में सोशल डिस्टेंस खत्म होता है। ठीक है जी। अब फर्ज करें कि आप एक ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जिससे आप नफरत करते हैं, फर्ज करें, ठीक है, तो आप उसे बात करना ही नहीं चाह रहे होते, ठीक है, तो आप ऐसा स्पीच स्टाइल अडॉप्ट करेंगे कि अगला आपको मुंह ही ना लगाए। इसमें जरूर सिर्फ टॉकिंग तक महदूद नहीं है, आपका बिहेवियर, आपकी जेस्चर, ये सारी काउंट करते हैं। ठीक है, आपसे कोई बड़े ही प्यार से बात कर रहा है, आप उसे कोल्ड शोल्डर आगे से देते हैं, उसकी बात को सुना अनसुना कर देते हैं, तो ये व्हाट यू आर डूइंग, यू आर क्रिएटिंग डाइवर्जेंस बाय योर स्पीच स्टाइल। क्लियर होगी जी बात? यस सर। उसके बाद है ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी जो है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज वेयर बाय लिंग्विस्टिक्स फॉर्म्स हैव टू साइमल्टेनियस लेवल्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन एंड मीनिंग्स, आल्सो कॉल्ड डबल आर्टिकुलेशन। ठीक है जी। कि समटाइम्स क्या होता है कि आर्टिकुलेशन, मैंने आपको बताया हुआ है बड़े क्लियरली कि आर्टिकुलेशन का मतलब होता है टू टॉक, द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। ठीक है। अब ड्यूअलिटी में क्या होता है कि डबल आर्टिकुलेशन होती है, टू साइमल्टेनियस लेवल्स पे आप बोलते हैं, साउंड की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को जो लिंग्विस्टिक्स फॉर्म्स हैव टू साइमल्टेनियस लेवल, साइमल्टेनियस का मतलब है एक के बाद दूसरा, ऑफ साउंड्स प्रोडक्शन एंड मीनिंग्स आल्सो कॉल्ड डबल आर्टिकुलेशन। तो वो डबल आर्टिकुलेशन जो है
किसी भी लैंग्वेज का जो है आप उसको डबल आर्टिकुलेशन जब उसको करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ड्यूअलिटी, नाम से ही जाहिर है ड्यूअल से, ठीक है, ड्यूअल का मतलब होता है दो। उसके बाद आपकी आ जाती है, अगर हम बात करें तो दैट इज अर्ली मॉडर्न इंग्लिश द फॉर्म। जी ड्यूअलिटी देखें, जैसे आप एक बात कर रहे हैं और उसके फौरन बाद साइमल्टेनियसली अगले लेवल पे भी आप वही बात करते हैं। समटाइम्स आपने वर्ड्स देखे होंगे, अगर हम देखें रीड और रेड, ठीक है, अब इसमें ऑर्थोग्राफिकली जो है इसके स्पेलिंग सेम है, ठीक है, लेकिन उसके मीनिंग्स डिफरेंट हैं, लेकिन दैट इज नॉट द एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी जो है उसमें आप क्या करते हैं कि लिंग्विस्टिक्स फॉर्म्स ऐसी अडॉप्ट करते हैं साइमल्टेनियस लेवल पे, एक लेवल पे आपने बात की, फिर अगले लेवल पे आप फिर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी साउंड प्रोडक्शन और उसके मीनिंग्स दोनों के सेम होते हैं, ठीक है, तो वो आपकी ड्यूअलिटी कहलाएगी। जैसे आप एक बात करते हैं तो फौरन वैसी ही बात कर रहे हैं, आप अप्रोप्रिएट एग्जांपल इस टाइम ज़हन में नहीं आ रही, नहीं तो मैं आपको बता देता। जैसे आप एक वर्ड रीड आपने किया है, रीड और रेड दोनों को अगर देखें स्पेलिंग उनके सेम है, ठीक है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनकी जिनको आप यूज करते हैं, ठीक है। सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, जी जी कैन आई गिव माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टर्म, जी जी आप शेयर करें। सर ड्यूअलिटी का जो मुझे समझ आ रही है, जो इस डेफिनेशन को मैंने पढ़ा है, वो ये है कि जब हम ह्यूमन लैंग्वेज है जी, बेसिकली तो हम ये कंपेयर कर रहे हैं ना कि जो एनिमल साउंड है या बाकी जो मैकेनिक साउंड है उनके अंदर ड्यूअलिटी नहीं है और ह्यूमन लैंग्वेज में ड्यूअलिटी है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ड्यूअलिटी वो इस तरह है कि साउंड भी पैदा हो रही है और उसके साथ ही साथ एक मीनिंग भी कन्वे हो रहा है जी, तो ये दोनों चीजें जो है ना साथ साथ होती हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप सही समझे हैं, ठीक है, कि साउंड्स भी क्रिएट हो रही है, उनके मीनिंग्स भी आप आ रहे हैं, तो ये ड्यूअलिटी। इसी तरह कुछ वर्ड्स भी ऐसे है जिनके मीनिंग्स में भी ड्यूअलिटी होती है, ठीक है जी। So hope you have got sir, no. Assalamu alaikum sir. Waalaikum salam. Sir, I wanna share my point of view. Like language perform into two levels. Like हम जब भी कोई बात करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि phoneme is the smallest meaningful unit of the speech. तो उसका हम जैसे a, b, c ये that is not a letter. That is not proper words. Just I can say a. So that's mean. A single sound and language दो चीजों के ऊपर perform कर रही है, different sounds के ऊपर, और different sounds को जब हम collaborate कर रहे हैं, उनको join कर रहे हैं, फिर हम words बना लेते हैं। ये जो basic idea of duality है। और अगर हम जी जी बोले आप। And moreover, secondly, like अगर हम किसी को कहते हैं कि मुझे पानी ला दो, that is example, अगर हम ये कह देते हैं कि प्लीज एक ग्लास पानी का पकड़ा दीजिएगा या ला दीजिएगा, दैट इज टू वे ऑफ कन्वेइंग आवर ओन मैसेज, कि हमने दूसरी तरह से भी कहा है या हमने पहली तरह से कहा था कि मुझे एज अ फॉर्मल वे कि मुझे पानी ला। आई एम सॉरी टू से इट इज नॉट गुड, बट नहीं नहीं आप जो है ना मीनिंग्स को ऐड करें साथ, ठीक है, मीनिंग्स जो है ना वो दो बेसिकली द इंपॉर्टेंट थिंग इज द मीनिंग, the production of sounds and their meanings. Ji ji. Sir, I think excuse me, duality is about signified. That she is the girl before talking, she was talking about speech acts, you know, speech acts convey different meanings, these are locutionary, illocutionary and perlocutionary. This is not related to duality. Duality is I have read this book and I have gone through during my first semester. So I am getting something I am in my mind remembering thing, so I think that is true, that it has meaning and sound both together, it has ji ji bilkul aap meanings uske sath include karna zaruri hai, theek hai ji, yes sir, let's move towards our next ji, ab hum end pe karte hain, ye end pe aap question kar lijiyega please, is tarah se bahut time jo hai na wo ho raha hai, अच्छा जी। उसके बाद है अर्ली मॉडर्न इंग्लिश द फॉर्म ऑफ इंग्लिश इन यूज बिटवीन 1500 एंड 1700। ये बिल्कुल सिंपल सी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सी टर्म है
कि आपकी 1500 से लेकर 1700 तक के दरमियान जो इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है उसकी जो फॉर्म्स हैं या उसकी जो वैरायटीज हैं उनको अर्ली मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। ठीक है जी, ईएमई भी इसे कहते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में आ जाए तो यू शुड जो है रिमेम्बर इट। उसके बाद है इलीजन। इलीजन जो है दिस इज अनदर टर्म फ्रॉम द फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। फोनोलॉजी के अंदर द प्रोसेस ऑफ लीविंग आउट अ साउंड सेगमेंट्स इन द प्रोनंसिएशन ऑफ अ वर्ड। समटाइम्स क्या होता है कि आप कुछ वर्ड्स बोल रहे होते हैं और उनमें एंड वाली जो साउंड है उसको आप ट्रिम कर देते हैं। जैसे हम बड़ा बोलते हैं कि जी टीचर, ठीक है, एक्चुअली ये टीचर नहीं है, इट्स अ टीचर। ठीक है, वो जो र साउंड है वो आपकी ट्रिम हो रही है। तो ये जो लीविंग आउट अ साउंड सेगमेंट जो है उसको प्रोनंसिएशन के दौरान, ठीक है, उसको इलीजन कहते हैं। जैसे आपका टीचर है और इस तरह के और से भी बहुत से वर्ड्स हैं जिनमें आप र साउंड को ट्रिम कर देते हैं या किसी और साउंड को ट्रिम कर देते हैं। दैट इज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलीजन। ठीक है जी, होप यू हैव गॉट द आइडिया। उसके बाद है आपका एमलेम्स। एमलेम्स क्या है पहले थोड़ा सा समझ लें। नॉन वर्बल सिग्नल सच एज थंब अप। जैसे थंब अप का क्या मतलब है, आपके मोबाइल में भी चीजें होती हैं, ठीक है, वो इमोजीज जो आप यूज करते हैं उसमें थंब अप्स भी हैं, थंब डाउन भी है, ठीक है। तो दैट फंक्शन लाइक फिक्स्ड फ्रेजेस विद द कॉन्वर्सेशनल इंटरप्रिटेशन। जैसे आपको कोई मैसेज करता है और आप उसे थंब अप आगे से वो जो है इमोजी सेंड करते हैं, तो वो एक्चुअली क्या है, वो थंब अप जो है दैट इज फंक्शनिंग लाइक अ फिक्स्ड एक्सप्रेशन। ठीक है जी, और दैट इज अटैच विद द एंड दैट इज अटैच विद सम सॉर्ट ऑफ कन्वेंशन या प्री सेट जो है वो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स जो है उसके ऑलरेडी सेट होते हैं, और यूं ही आप थंब अप करते हैं तो अगला बंदा आपकी बात को समझ जाता है। तो इस तरह की जो नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं उनको एमलेम्स बोलते हैं। क्लियर होगी जी बात। उसके बाद है एपेंथीसिस। एपेंथीसिस जो है ये भी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के अंदर एक टर्म है। अ साउंड चेंज इन्वॉल्विंग द एडिशन ऑफ अ साउंड टू अ वर्ड। जैसे टिम्बर है या टिम्बर। अब इसकी आसान सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे आप उर्दू में बोलते हैं काफी, ठीक है, और इंग्लिश में वर्ड है कॉफी। अब इसमें क्या हो रहा है कि वन वाउल साउंड इज बीइंग चेंज्ड। ठीक है, वो जो वन साउंड की जो चेंज है, ठीक है, जो साउंड चेंज होती है उसमें हम या तो साउंड को बिल्कुल निकाल देते हैं या साउंड की जगह दूसरी साउंड, एक वाउल साउंड की जगह दूसरी वाउल साउंड लेकर आते हैं। इस सारे प्रोसेस को एपेंथीसिस कहते हैं और ये ज्यादातर वाउल साउंड्स में होता है। ठीक है जी, क्लियर होगी जी बात। उसके बाद है एपोनिम्स। एपोनिम्स दीज आर द वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस। ये आपने मॉर्फोलॉजी का अगर चैप्टर पढ़ा है इसी बुक का तो उसमें वर्ड फॉर्मेशन में आपने देखा होगा कि एपोनिम्स वो वाले वर्ड्स होते हैं दैट आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस। जो किसी पर्सन या प्लेस से डिराइव किए जाते हैं नाम उनको एपोनिम्स बोलते हैं। जैसे सैंडविच है, ये जिसने बनाया था उस बंदे का नाम सैंडविच था, इस वजह से उसको सैंडविच का नाम दे दिया गया। इसी तरह और बहुत सी साइंटिफिक इन्वेंशन हैं जो आपने जनरल नॉलेज में पढ़ी होंगी, वो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर जो है उनके नाम रखे हुए हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, एपोनिम्स। उसके बाद इटिमोलॉजी। जब अगर आप डिक्शनरी खोलें गलती से, या बहुत से बच्चे यूज करते भी हैं, बहुत से गलती से ही करते हैं, इटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड। जब आप डिक्शनरी के अंदर कोई वर्ड खोलते हैं तो उसकी इटिमोलॉजी गिवन होती है, वो कहाँ से वर्ड डिराइव हुआ है वो लिखा हुआ होता है उसमें। ठीक है, तो इटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ अ वर्ड। ये भी मॉर्फोलॉजी लेक्सिकोग्राफी के अंदर आता है। ठीक है, कि आपकी जो वर्ड की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम बात करते हैं या बताते हैं। और बहुत सी ऐसी डिक्शनरीज हैं जिनमें पूरी उस वर्ड की डिटेल दी होती है कि ये वर्ड जो है वो कब पहली दफा यूज हुआ, ठीक है, और कैसे यूज हुआ और इसका मतलब क्या था, ये कौन सी लैंग्वेज से डिराइव्ड है, ठीक है, और कुछ लैटिन उसकी जो है
मतलब वो लैटिन ओरिजिन से है, कुछ फ्रेंच ओरिजिन से है, तो वो जो वर्ड की हिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं उसको एटिमोलॉजी कहते हैं। क्लियर होगी जी बात। देन कम्स एक्सपीरियंसर, पीछे हमने पढ़ा था एजेंट, ठीक है, या सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट आपका होता है और जो सब्जेक्ट होता है उसका कुछ सिमेंटिक रोल होता है। सिमेंटिक रोल मतलब जो वो सेंटेंस के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है या एक्सपीरियंसर है, जो भी वो एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या एक्सपीरियंसर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो वो हमें उससे पता चलेगा। तो हम इसमें देखते हैं कि एक्सपीरियंसर बेसिकली है क्या। एक्सपीरियंसर द सिमेंटिक रोल ऑफ द नाउन फ्रेज आइडेंटिफाइंग द एंटिटी दैट हैज द फीलिंग perception or state described by the verb, ठीक है जी। अब इसमें थोड़ी सी डिटेल अगर आपको मैं बता दूं तो ये बेसिकली नाउन फ्रेज होती है। नाउन फ्रेज का आपको आइडिया होगा, एक नाउन होता है और एक नाउन फ्रेज होता है। जैसे बॉय है तो ये नाउन है, आप बॉय करेंगे तो ये नाउन फ्रेज बन जाएगी। सिंटेक्स में आगे जाके हम पढ़ेंगे अगर आपको आइडिया नहीं है तो, ठीक है जी। तो इसी तरह नाउन फ्रेज होती है, वर्ब फ्रेज होती है, एडजेक्टिव फ्रेज होती है, प्रपोजिशनल फ्रेज होती है, ठीक है। तो ये सेंटेंस के अंदर, जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल में देखें, द बॉय है तो बॉय इज अ नाउन, द बॉय इज अ नाउन फ्रेज एंड इट इज एक्टिंग एज अ एक्सपीरियंसर हियर। तो एक्सपीरियंसर करता क्या है, एक्सपीरियंस से निकला है कि वो सिमेंटिक रोल ऑफ अ नाउन फ्रेज identifying the entity that has the feelings, perception or state, कि जो के feelings को, perception को और state को describe करता है अपने verb के जरिए। जैसे the boy feels sad, इसमें boy जो है वो आपका experiencer है, ठीक है जी। इसमें याद रखनी है जो feeling, perception और state, ठीक है, ये तीन words आपने याद रखने हैं, इनसे आपको idea हो जाएगा कि experiencer है कि नहीं। क्लियर होगी जी बात। देन कम्स एक्सटर्नल चेंज, इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द आउटसाइड दैट कास्ट चेंज इन द लैंग्वेज इन कंट्रास्ट टू द इंटरनल चेंज। एक आपके अंदर का मौसम होता है और एक आपके बाहर का मौसम होता है, ठीक है। जो अंदर का मौसम होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो बाहर का मौसम होता है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। कुछ लोग जो है वो महफिल में भी तनहा होते हैं, कुछ जो है तनहाई में भी महफिल लगा लेते हैं। थोड़ा सा मतलब लिटरेरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको समझ आ जाए। तो एक्सटर्नल चेंज का मतलब क्या है कि जो चेंज बाहर से आती है लैंग्वेज के अंदर उसको कहते हैं एक्सटर्नल चेंज। इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द आउटसाइड दैट कॉज चेंज इन लैंग्वेज इन कंट्रास्ट टू इंटरनल चेंज। अब आप कहेंगे कि जी ये कहाँ से आई। अब बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हमने दूसरी लैंग्वेजेस से लिए हुए हैं, या जब हम जो है कोड स्विचिंग करते हैं या कोड मिक्सिंग करते हैं तो हम जो है उन वर्ड्स को उस लैंग्वेज के हवाले से यूज करते हैं, ठीक है जी। कि अगर मतलब जैसे मैं एक आपको सेंटेंस बोलता हूँ, हमने बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने उसको एडमिट का वर्ड यूज किया, हमने स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाया, ठीक है। अब देखें इसमें कोड मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, स्विचिंग नहीं हो रही, स्विचिंग इज समथिंग एल्स, ठीक है। अगर आपको आइडिया है दोनों टर्म्स का तो फिर आप मुझे समझ लेंगे कि कोड मिक्सिंग में होता है कि आप वर्ड लेवल पे जाके जो है वो मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। और कोड स्विचिंग में होता है आप सेंटेंस लेवल पे जाके पूरे का पूरा सेंटेंस पहले एक लैंग्वेज में, जैसे मैं बाजार गया एंड आई saw my students there. अब ये कोड स्विचिंग है, ठीक है। कोड मिक्सिंग है कि मैं बाजार गया और वहां पर मैंने अपनी क्लास के बहुत से स्टूडेंट्स देखे, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल चेंज होती है जो कि आपके लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करती है, ये ज्यादातर उसमें होती है जब आप किसी भी लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनकी जो फ्रेम होते हैं ओरिजिनल लैंग्वेज के उसके हवाले से वो इस्तेमाल होते हैं। तो इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको इतना याद रख लें कि वो इन्फ्लुएंसेस जो आउटसाइड मतलब लैंग्वेज के बाहर से आते हैं और लैंग्वेज के अंदर चेंज लेकर आते हैं उनको एक्सटर्नल चेंज कहते हैं, और जो हमारे लैंग्वेज के अंदर से चीजें होती हैं उनको इंटरनल चेंजेस कहते हैं। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, यू कैन सी।
उसके बाद है फेस, फेस का तो सबको ही पता है ठीक है, लेकिन ये वो वाला फेस नहीं है, प्रैग्मेटिक्स में आप पढ़ेंगे ठीक है जी। और फेस जो है आ पर्सन्स पब्लिक सेल्फ इमेज एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टडी ऑफ पोलाइटनेस, पोलाइटनेस इज अनदर प्रिंसिपल, जैसे अभी एक बच्चे ने बताया लोकूशनरी, इलोकूशनरी, परलोकूशनरी और स्पीच एक्ट्स और उसमें ग्राइस के मैक्सिम्स हैं, ये सारे प्रैग्मेटिक्स की टर्म्स हैं ठीक है जी। तो हमने देखना है कि फेस है क्या, फेस ये आपका चेहरा मुबारक नहीं है एक्चुअली, जो आपका इमेज है सोसाइटी में उसको फेस कहते हैं, ये याद रख लें कि आपका चेहरा मुबारक नहीं है ठीक है, जो किसी का मतलब जो है, वन सेकंड प्लीज, अच्छा तो वो फेस जो आप लेकर फिर रहे हैं या मैं लेकर फिर रहा हूं ये वो नहीं है ठीक है। लिंग्विस्टिक्स में जो फेस है वो पर्सन्स पब्लिक सेल्फ इमेज एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टडी ऑफ पोलाइटनेस ठीक है, कि जो आपके हवाले से आपका जो इमेज है सोसाइटी में पोलाइटनेस के हवाले से ठीक है जी, वो आपका फेस है ठीक है जी। उसके बाद है फेस सेविंग एक्ट, ये भी वही है, फेस की अगर आपको समझ आ गई है तो सेइंग समथिंग दैट रिड्यूसेस अ पॉसिबल थ्रेट टू अनदर पर्सन सेल्फ इमेज ठीक है, एक फेस थ्रेटनिंग एक्ट्स होते हैं और एक फेस सेविंग एक्ट्स होते हैं। फेस सेविंग जैसे कि टर्म जो है वो आपकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है कि आप कोई ऐसी बात कहें दैट रिड्यूसेस अ पॉसिबल थ्रेट टू अनदर पर्सन सेल्फ इमेज, कि आप कोई ऐसी बात करें ठीक है जिससे जो आपका अगला बंदा है जो सुनने वाला है उसका सेल्फ इमेज जो है वो डिस्टॉर्ट ना हो या वो उसको कोई थ्रेट आपकी तरफ से ना दिया जाए, तो वो आपका कहलाएगा फेस सेविंग एक्ट ठीक है जी। और अगर आप किसी के सेल्फ इमेज को डिस्टॉर्ट करने के लिए कोई वर्ड्स यूज करते हैं तो वो आपका जो है वो फेस थ्रेटनिंग एक्ट्स होंगे, यानी थ्रेट करने के लिए जो आप वर्ड्स यूज करेंगे वो फेस थ्रेटनिंग एक्ट्स होंगे, और जो किसी की सेल्फ इमेज के थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए आप यूज करेंगे वो फेस सेविंग एक्ट होंगे। जैसे आपको कोई चीज मारता है और आगे से आप सेल्फ डिफेंस में वो एक साइड पे हो जाते हैं या जो है उस चीज को आगे से पकड़ लेते हैं ठीक है, तो वो आप क्या कर रहे हैं कि यू आर सेविंग योर फेस, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा सा इससे डिफरेंट है कि आप ऐसी बातें करें जिससे अगले का सेल्फ इमेज जो है वो खराब होने का खतरा हो, तो वो फेस थ्रेटनिंग एक्ट्स हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स जब आप यूज करते हैं किसी के सेल्फ इमेज के थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए जो यूज करते हैं वो फेस सेविंग है ठीक है। क्लियर होगी जी बात। और उसके बाद हम देखते हैं कि फील्ड पास क्या होते हैं। आपने फिलर का एक वर्ड सुना होगा, फिलर क्या होते हैं, एक मिनट में जरा आप लोगों को थोड़ा सा, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे पता नहीं मैं दीवारों से बातें कर रहा हूं, तो लेट मी जी। अच्छा अब इसमें देखना क्या है कि फील्ड पास्ट क्या होते हैं, कि जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो एक तो आपकी डिस्कशन में पॉज आता है, जैसे मैंने अपनी टर्न ले ली, टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जो बंदा बात कर रहा है और जो बंदा बात सुन रहा है तो वो अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, ये भी स्पीच अकोमोडेशन फिलर्स भी होते हैं ना, फील्ड पॉज फिलर्स भी कहा जाता है। जी जी मैं वही बात कर रहा हूँ कि जैसे बुक्स के अंदर होते हैं ना, जब पेज ऊपर आप लिखते हैं तो नीचे ज्यादा जगह बच जाए तो आप वहां पे कोई कोटेशन डिजाइन बना के फिर उसको फिलर्स बोलते हैं, ये पब्लिशिंग के उसमें कहते हैं फील्ड में। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है कि अ ब्रेक इन द फ्लो ऑफ स्पीच यूजिंग साउंड सच एज एम, अ, ये जो आप अच्छा ये आप उस ब्रेक को उस पास को फिल करने के लिए जो आप वर्ड्स यूज करते हैं उनको फील्ड पास कहा जाता है ठीक है जी। और ये इस तरह के वर्ड्स हैं जैसे एम
ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप डेली यूज करते हैं। सर इट्स लाइक इन द नॉवल बाय ऑफ गुडबाय मिस्टर चिप्स। जी बिल्कुल, गुडबाय मिस्टर चिप्स में भी वैसे यूज करते हैं। हाँ जी, उसके बाद है फिंगर स्पेलिंग, अ सिस्टम ऑफ हैंड कॉन्फिगरेशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लेटर ऑफ द अल्फाबेट इन अ साइन लैंग्वेज। जैसे आप बच्चों को जब फोनिक्स पढ़ाते हैं, जो स्कूल टीचर्स हैं किंडरगार्टन में, उसमें आप क्या करते हैं, आप जैसे ओ अगर आपने बताना है तो आप ऐसे उंगलियों से ओ बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। और इस तरह की जो सिस्टम ऑफ हैंड्स कॉन्फिगरेशन, कि आप हाँ वो अपने हैंड्स को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, इस तरह से मोल्ड करते हैं कि वो कोई ना कोई अल्फाबेटिकल लेटर जो है वो बन जाता है, उसको फिंगर स्पेलिंग बोलते हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ रहा हूँ, अ सिस्टम ऑफ हैंड कॉन्फिगरेशन used to represent the letters of the alphabets in sign language. ठीक है जी, sign language में जब आप alphabets को represent करने के लिए अपने fingers की configuration को change करते हैं तो that is called finger spelling. Clear होगी जी बात। उसके बाद है fixed reference. हमारी reference क्या होता है कि जब आप जैसे referent होता है, एक reference होता है और एक context होता है, ठीक है जी। तो फिक्स रेफरेंस अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर बाय ईच सिग्नल इज फिक्स्ड एज रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और ओकेजन। कि एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, एक फिक्स्ड रेफरेंस है, ठीक है, जो कि जहां भी बोला जाएगा उसका मतलब सेम ही लिया जाएगा। ठीक है, अ प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर बाय ईच सिग्नल इज फिक्स्ड as relating to one particular object or occasion. ठीक है, कि एक particular object or occasions के हवाले से जो एक reference fixed हो जाता है और जब भी आप उसको use करें उसका मतलब वही होता है, ठीक है, तो उसको fixed reference कहते हैं। reference जब सर kindly कोई example दे दें ताकि इसकी समझ आ जाए। हाँ जी बिल्कुल, मैं example देता हूँ कि जैसे आप जो है किसी मौका पर जो है इसमें बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे आप शादी पे अगर जाते हैं तो ऑब्वियसली आप जो आपकी जो अपीयरेंस है वो बता देती है कि आप शादी पे जा रहे हैं या आप किस पे जा रहे हैं, मर्ग पे जा रहे हैं, किसी की अफसोस के लिए जा रहे हैं, तो वो उसके लिए कुछ फिक्स्ड चीजें होती हैं या कुछ फिक्स्ड अल्फाज होते हैं। जैसे आप अगर किसी के पास जाकर बैठते हैं और आपने मुंह बिचारगी वाला बनाया हुआ है, ठीक है, और आप उससे बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली या तो आप अफसोस उससे कर रहे हैं, ठीक है, या अपना रिग्रेट शो कर रहे हैं, तो वो आपका चेहरा, जैसे मैं इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ, अकरम राई का नाम सुना हुआ है किसी ने, और ये दुखी गाने सुनाता है, मेरा ख्याल है किसी ने नहीं सुना, सारे नए बच्चे हैं, ठीक है, किसी ने अकरम राई को सुना है? अच्छा, उसकी जो है ना वो दुखी गाने गा गा के ना उसकी बेचारे की शक्ल ही इतनी दुखी हो गई है कि देखते साथ ही आपको पता लग जाता है कि ये बेचारा कोई दुख में मुबतला है, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सी इवेंट्स के हवाले से, बहुत सी जैसे आपका जो है विक्ट्री का निशान है तो ऑब्वियसली ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, जब भी आप बनाएंगे तो इट विल शो समथिंग दैट यू हैव गॉट समथिंग, ठीक है जी। तो क्लियर होगी जी बात आपको? सर ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है ओनली या वर्बल के लिए भी होते हैं ये फिक्स्ड रेफरेंस? दोनों में ही इस्तेमाल होता है, ये डिपेंड करता है आपके यूज पे, ठीक है जी, क्योंकि वो ये कुछ स्पोकन में भी होते हैं फिक्स्ड एक्सप्रेशन, कुछ जो है जेस्चर्स के जरिए भी होते हैं, ठीक है। जैसे आप हुर्रा बोलते हैं तो हुर्रा इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द हैप्पीनेस, ठीक है, और कुछ आप साइंस बनाते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस देते हैं, कुछ जेस्चर्स देते हैं, दैट आर स्पेसिफिकली रिजर्व फॉर सर्टन सिचुएशन और सर्टन टू शो सम एक्सप्रेशन, ठीक है जी। उसके बाद है फ्लैप, ये मैंने आपको जब बताया था वो पढ़ाई थी क्या स्पीच साउंड्स जब आपको मैंने बताई थी तो उसमें भी था, अ साउंड प्रोड्यूस विद द टंग टिप्स ब्रीफली टचिंग द एल्वियोलर रिज, ठीक है जी, कि ये उसकी लिंग्विस्टिक्स की टर्म है। इसमें जो आपका फ्लैप का वर्ड यूज हुआ है, आपने उसमें
देखा होगा जब मैंने आपको वो क्या पढ़ाई थी, इन्वेंट्री पढ़ाई थी, ठीक है जी। तो वो जो फ्लैप साउंड्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं जी, जरा कोई बताएगा? यस सर, इसमें सर एक एग्जांपल मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा जो कि बटर की है। बटर जिसमें हमारी जो टंग होती है वो टिप, वो टचिंग द एल्वियोलर रिजिस जो करती है, जब बटर बटर जो स्लाइटली, ये वो वाला टच नहीं है कि जो एल्वियोलर रिज को मुकम्मली तौर पर टच करे, ये जस्ट विद द एक हल्का सा एक टिप होता है, जैसे हम बटर 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 सर, जैसे मोबाइल पे ऐसे हाथ लगा के नीचे कर लेते फौरन, इतना सा बस हल्का सा टच निकल जाता है, उसका मकसद दबाई रखना नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका वर्ड ही सर इसके मीनिंग के अंदर ही सब कुछ पड़ा हुआ है, फ्लैप का मीनिंग अगर डिटेल से देख लिया जाए तो वही सब कुछ है, एल्वियोलर रिज का उसका रिलेशनशिप। हां जी, ये मतलब जो साउंड पूरी प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस विद द टंग टिप ब्रीफली टचिंग द एल्वियोलर रिज, ठीक है जी। उसके बाद है फॉरेनर टॉक, अ वे ऑफ यूजिंग, ये आप इन्वेंटरी देखिएगा। उसके बाद है फॉरेनर टॉक, अ वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज विद नॉन नेटिव स्पीकर दैट इज सिंपलर इन स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी। फॉरेनर टॉक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, ये आप लैंग्वेज को इस तरह से आप यूज कर रहे हो कि अगले को पता चल रहा हो कि ये आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं तो गोरा जब इंग्लिश बोलता है तो वो कहता है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बैड बॉय। अब ये गोरा बोल रहा है, हम बोलेंगे तो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बैड बॉय। अब ये जो exactly the way you are using a language and that is clearly giving the indication that you are not the native speaker of that particular language. So, wo jo way of using language hai, that is called foreigner talk. Theek hai ji? Uske baad hai fossilization. Ye important term hai. Isko underline kar lijiyega. Ek do dafa paper mein aayi bhi hui hai. Fossilization ka lafzi matlab kya hota hai? कि किसी चीज को फॉसिलाइज कर लेना, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। द प्रोसेस वेयर बाय एन इंटरलैंग्वेज कंटेनिंग मेनी नॉन एल टू फीचर्स स्टॉप डेवलपिंग टुवर्ड्स मोर एक्यूरेट फॉर्म ऑफ द एल टू। अब थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, समझने की कोशिश करें, मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरलैंग्वेज क्या होती है। एक होती है इंटर लैंग्वेज और एक होती है इंट्रा लैंग्वेज। इंटर और इंट्रा, समझ आ रही है दोनों की? इंटर लैंग्वेज yes, होती है बिटवीन द टू लैंग्वेज, दो के दरमियान, बिटवीन द टू लैंग्वेज इज कॉल्ड इंटर लैंग्वेज। और इंट्रा लैंग्वेज होती है विद इन द लैंग्वेज, जैसे टॉकिंग होती है, आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो जो है इंटर लैंग्वेज होगी। जब आप खुद से बातें, जैसे वो आपने असाइड्स पढ़ी हैं, शेक्सपियर के प्लेज में भी पढ़ी हैं, और उसकी सोलोलोक्वीज जो हैं वो सारी इनसाइड, वो इंटर इंट्रा लैंग्वेज की फॉर्म में होती हैं, ठीक है जी। और सेल्फ टॉकिंग जिसे आप कहते हैं, ठीक है, इंटर कम्युनिकेशन और इंट्रा कम्युनिकेशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अब हम आगे चलते हैं, फॉसिलाइजेशन क्या होती है, और फॉसिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें आप क्या करते हैं फॉसिलाइज्ड फॉर्म में चली जाती हैं, जो रिजर्व्ड हो जाती हैं, जिनको हम यूज नहीं करते, जो डेवलप होना बंद हो जाती हैं, कहीं मार खप जाती हैं नीचे, ठीक है। ये जो साइंस के या बॉटनी के लोग हैं उनको जरा बैकग्राउंड है, उनको जरा ज्यादा समझ आएगी। द प्रोसेस वेयर बाय एन इंटर लैंग्वेज कंटेनिंग मैनी नॉन एल टू फीचर, एल वन और एल टू, L1 आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है और L2 आपकी फॉरेन लैंग्वेज होती है, जो दूसरी लैंग्वेज आप समझते हैं, ठीक है जी। और स्टॉप डेवलपिंग टुवर्ड्स मोर एक्यूरेट फॉर्म ऑफ द L2। अब इसमें फीचर्स की बात हो रही है, लैंग्वेज के अंदर जो फीचर्स होते हैं उनकी बात हो रही है, जो कि डिवेलप होना बंद हो जाते हैं, ठीक है। और जब वो डिवेलप होना बंद हो जाते हैं, उनके अंदर डिवेलपमेंट आनी बंद हो जाती है, तो वो उनकी एक्यूरेट फॉर्म जो है वो हमारे सामने नहीं आती, तो वो एज इट इज दूसरी लैंग्वेज में इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। जो है इस चीज को मद्देनजर रखे बगैर कि वो करेक्ट हैं, एक्यूरेट हैं या नहीं है, ठीक है।
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ब्रीफ किया, अब जरा फॉसिलाइजेशन की तरफ आ जाएं। द प्रोसेस वेयर बाय एन इंटरलैंग्वेज कंटेनिंग मेनी नॉन L2 फीचर्स, आप L2 पढ़ रहे हैं ठीक है, और L1 भी आपने पढ़ी हुई है ठीक है। अब आपने करना क्या है कि जो आपकी कंटेनिंग मेनी नॉन L2 फीचर्स, कि L2 आप बोल रहे हैं लेकिन उसके फीचर्स L2 वाले नहीं हैं, वो डेवलप नहीं हो पाते एक्यूरेट फॉर्म में, क्योंकि जब भी आप L1 बोलते हैं तो क्या होता है, L1 का इन्फ्लुएंस हमेशा रहता है। कोई भी आप जितनी मर्जी क्लासेस ले लें, जितनी मर्जी मेहनत कर लें, लेकिन जो आपका मदर टंग का इन्फ्लुएंस है वो कभी नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं सर, कहीं जो है वो आ जाएगा। जी सर, लाइक पिजन के अंदर जो होता है वो लर्निंग का प्रोसेस होता है, वो बहुत छोटी फॉर्म, इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं जी। तो वो ट्राई करते हैं कि फ्रांस के लोग जर्मनी में गए तो वहां से वो कुछ सीख रहे थे, लेकिन वो जैसे, लेकिन वो बोल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते। ऐसे ही हम स्कूलों कॉलेजों में सीखते तो हैं, लेकिन वो ट्राई टू डू दैट बट उसमें पंजाबी की ग्रामर आ जाती है जो उस तरीके से, जैसे आप कॉफी कहते हैं, काफी कहते हैं तो हम काफी ही बोलते रहते हैं, उसको कॉफी नहीं बोलते, जो मैंने और बोलते हुए शर्म सी आती है तो वो जिजगी दूर नहीं हो पाती कॉफी कहने जी। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाए जी। तो ये जो रिलेशन पर्सनल है, जैसे पर्सनली ये हर चीज होती है, मतलब जो L1 लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस L2 पे पड़ता है और उसकी L2 की डेवलपमेंट जो है वो आपके लिए ही खत्म हो जाती है ना, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हाँ जी बिल्कुल, आपके लिए एज अ होल भी होती है लेकिन एज अ होल हो नहीं सकती, क्योंकि यू आर नॉट द ओनली स्पीकर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है जी, जी ठीक है जी, मैं ये जरा म्यूट कर दूं ताकि ये पेज खत्म भी हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे आ जाता है आपका फ्री मॉर्फीम। ये मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया था ठीक है, कि जो है एक शादीशुदा बंदा होता है और एक बेचारा हाँ जी, ये क्वेश्चन जो है वो हम एंड पे लेंगे। अच्छा, फ्री मॉर्फीम जो है वो क्या है, मैंने आपको एग्जांपल दे दी, जो एक बच्चा बेचारा शादीशुदा बंदा फंसा हुआ ठीक है, और दूसरा कुंवारा अपनी मर्जी से सोता है, अपनी मर्जी से उठता है, ना कोई बताने वाला ना पूछने वाला, वो फ्री है। इसी तरह वो वाले मॉर्फीम जो कि अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं उनको फ्री मॉर्फीम कहते हैं, जो बेचारे अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते वो बाउंड बंधे हुए चेन्ड फॉर्म में होते हैं। जैसे आपका एक वर्ड है फेड, अब फेड जो है ये आपका फ्री मॉर्फीम है ठीक है जी, और उसको आप अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप अन लगाते हैं अनफेथफुल, तो ये अन भी आपका बाउंड मॉर्फीम है जो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और फुल भी आपका जो है वो इसके साथ अगर लगाएं तो वो बाउंड है ठीक है। फुल जो है वो अगर आप फुल की बात करते हैं तो फुल जो है वो आपका वर्ड भी है अलग से ठीक है, और अन जो है ये आपका बाउंड मॉर्फीम है। तो होप यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम, जो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं वो फ्री होते हैं, जो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते वो आपके क्या होते हैं, बाउंड मॉर्फीम होते हैं। उसके बाद फ्रिकेटिव्स हैं, ये मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया था, फ्रिकेटिव साउंड्स वो होती हैं जिनकी प्रोडक्शन के दौरान आपका एयर फ्लो जो है वो ब्लॉक होता है ठीक है, और हवा जो है वो घसीटती हुई बाहर आती है, जैसे में क्या है आपके आर्टिकुलेटर्स एक दूसरे के इतने करीब आते हैं कि वो हवा जो है आपके लंग से वो जो घसीटती हुई ग्लाइड करती हुई आगे निकलती है। इसी तरह फ है, ज है, श है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ है तो थोड़ा सा उस लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा। उसके बाद है फंक्शनल मॉर्फीम। देखें दो तरह के वर्ड्स होते हैं, फंक्शनल और जो है ग्रामेटिकल। फंक्शनल मॉर्फीम जो होते हैं, अ फ्री मॉर्फीम दैट इज यूज्ड एज अ फंक्शन वर्ड सच एज कंजंक्शंस एंड अ प्रीपोजिशन। ठीक है, लेक्सिकल और ग्रामेटिकल का आपने सुना होगा। लेक्सिकल जो होते हैं, जो मेन वर्ड्स होते हैं, जैसे वर्ब है आपका, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये आपके लेक्सिकल्स में आते हैं। ग्रामेटिकल में ये छोटे छोटे कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस और जो है प्रीपोजिशंस और जो है आपकी क्या प्रीपोजिशंस, ठीक है, तो कंजंक्शंस वगैरह। तो वो वाले फंक्शनल मॉर्फीम, वो वाले फ्री मॉर्फीम होते हैं जो के
that is used as a function word such as conjunction and preposition. ठीक है, तो lexical और grammatical और functional और जो है वो जो क्या उसको कहते हैं functional और जो है non-functional कह लें आप, ठीक है, और grammatical और lexical. ठीक है, दो मेन कैटेगरीज हैं, लेक्सिकल और ग्रामेटिकल, और ये जो फंक्शनल मॉर्फीम है ये ग्रामेटिकल ही होते हैं. उसके बाद है जेंडर. जेंडर अ टर्म यूज्ड इन थ्री वेज, बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस. ठीक है जी, बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस क्या होती हैं, एक दो वर्ड यूज होते हैं, एक आपका वर्ड यूज होता है सेक्स और एक होता है जेंडर. सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल टर्म है, थोड़ी वल्गर है, और जेंडर जो है ये आपकी सोशल टर्म है. ठीक है जी, अब इसमें क्या है कि जेंडर अ टर्म यूज्ड इन थ्री वेज. नंबर वन, बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल, आल्सो कॉल्ड नेचुरल जेंडर भी उसे कहते हैं. डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लासेस ऑफ नाउन एज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, वो भी जेंडर है. आल्सो कॉल्ड ग्रामेटिकल जेंडर. और डिस्टिंक्शन बिटवीन द सोशल रोल्स ऑफ अ मैन एंड वुमेन, आल्सो कॉल्ड सोशल जेंडर. ठीक है जी, तो ये जो है वो सोशल लेवल पे भी इस्तेमाल होती है, बायोलॉजिकल लेवल पे भी इस्तेमाल होती है, ग्रामेटिकल लेवल पे भी जो है ये होती है. ठीक है जी, और ये कोई स्क्रीन पे अपनी जो है ना वो लगा रहा है, लिखी जा रहे हैं आप, पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं. One minute, please. अच्छा जी, जेंडर की समझ आ गई आपको कि थ्री वेज में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन के हवाले से भी, ठीक है जी, और ग्रामेटिकल के हवाले से भी, और सोशल के हवाले से भी. अगर आपको जो है नेचुरल जेंडर की बात करें तो उसमें बायोलॉजिकल फॉर्म होती हैं, जैसे मेल और फीमेल हैं. ठीक है, ग्रामेटिकल में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आ जाते हैं, और सोशल टर्म में मैन एंड वुमेन आ जाते हैं. तो ये थ्री लेवल पे इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है. उसके बाद है जनरेटिव ग्रामर. चॉम्स्की ने एक ग्रामर दी थी जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर. ठीक है जी, तो जनरेटिव ग्रामर इज बेसिकली डील्स विद द जनरेशन ऑफ अ सेंटेंस, a set of rules defining the possible sentences in a language. कि ये जो rule, set of rules हैं, जो कि define करते हैं कि एक word जो है, यानी different जो words हैं, उनसे कितने sentences बनाए जाते हैं. अगर आप Chomsky की बात करें तो उसने अपनी जो transformational generative grammar है, उसने कहा था कि we can generate infinite number of elements with the finite number of वर्ड्स आर साउंड्स. ठीक है जी, कि हम उसको मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बयान करूं तो वो ये है कि हमारे पास वर्ड्स की जो लिस्ट है वो लिमिटेड है. या जैसे हम अल्फाबेट की बात करते हैं, साउंड्स की बात करते हैं, तो वी हैव ओनली 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट विद द हेल्प ऑफ 44 साउंड्स वी कैन मेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. ठीक है, तो ये जनरेटिव ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट है, और अ सेट ऑफ रूल्स डिफाइनिंग द पॉसिबल सेंटेंसेज इन अ लैंग्वेज. ठीक है जी, कि एक लैंग्वेज में जो पॉसिबल सेंटेंसेज हैं उनको हम जो है वो बना सकते हैं जनरेटिव ग्रामर के रूल्स जो है अप्लाई करके. और ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स पे आपको कोई ना कोई सवाल आना ही आना है, तो ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स जरा आप अगर लिख लें तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा. कि ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स वो वाले रूल्स होते हैं जिनके जरिए से हम एक सेंटेंस को दूसरी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेकर जाते हैं. जैसे एक्टिव वॉइस है तो उसको हम पैसिव वॉइस बना दें. कोई सिंपल सा अगर सेंटेंस है जैसे ही ईट्स मैंगोज, मैंगोज आर ईटन बाय हिम. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, इसमें हमने उसको अन्यवा नहीं किया, हमने वी हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स. और वो रूल्स क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स उनको कहते हैं, वो लिख लें. उसमें सबसे पहला जो है वो डिलीशन है. ठीक है, कि कुछ चीजें आप डिलीट कर देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान. कुछ है आपकी डिलीशन, इंसर्शन, डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन एंड मूवमेंट. चार मेन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स हैं. ठीक है, इनको जरा लिख लें अलग. इंसर्शन का मतलब है कि आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हुए कोई चीज उसमें इंसर्ट करते हैं. डिलीशन,
जब आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हुए कोई चीज डिलीट करते हैं, कोई वर्ड डिलीट करते हैं, और फिर सब्स्टिट्यूशन, जब आप कोई वर्ड हटा के उसकी जगह कोई नया वर्ड लेकर आते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी। और मूवमेंट का मतलब है आप जगह बदल देते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की आप जगह आगे पीछे बदलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, तो ये सारे आपके जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स कहलाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे जेस्चर्स, ठीक है जी। जेस्चर्स आपको पता ही है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, श्रगिंग है, यूज ऑफ हैंड्स है। आप इंटरव्यू के दौरान आपने देखा होगा कि जब आप बोल रहे होते हैं तो आप अपने हैंड्स को मूव कर रहे होते हैं, और समटाइम्स वो जो कैमरा मैन है वो उसके हाथों के ऊपर जो है वो कैमरा भी मारता है। तो ये जो यूज ऑफ हैंड्स है while speaking, that is called gestures. Simple से term है। आगे आ जाएं, glides. Sounds produced with the tongue. ये हमने inventory में भी पढ़ा था, उसमें जो phonemic chart था उसमें भी हमने discuss किया था। Sounds produced with the tongue in motion to or from a vowel sounds, also called semivowels, approximants. इसने सेमी अप्रोक्सीमेंट्स का नाम दिया है, उनको सेमी वॉल्स भी कहते हैं, वो जो व की साउंड है, ठीक है, और ये जो साउंड है ये सेमी वॉल्स हैं, ठीक है। तो ये वो वाली साउंड्स हैं जो कि कैसे प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस विद द टंग इन मोशन टू आर फ्रॉम अ वाउल साउंड्स। सिंपलेस्ट वे में इसको मैं बताऊं, जो आपको एमसीक्यू आएगा भी, और इस पे एमसीक्यू अगर आप प्रीवियस पेपर देखें तो आया भी हुआ है, कि वो कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं जिनमें वाउल लाइक क्वालिटीज होती हैं। सवाल दोबारा सुन ले, व्हाट आर द साउंड्स विच हैव वाउल लाइक क्वालिटीज इन देम। ऑप्शंस में सेमी वॉल्स आएगा, फ्रिकेटिव्स आएगा, एफ्रिकेट्स आएगा, तो आपने कौन सी ऑप्शन को टिक करना है, सेमी वॉल्स या अप्रोक्सीमेंट्स को, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेंट्स जो है ये वाउल लाइक क्वालिटीज जो जिन कॉन्सोनेंट्स में होती हैं उनको ग्लाइड्स कहते हैं, या सेमी वॉल्स कहते हैं, या अप्रोक्सीमेंट्स कहते हैं। क्लियर होगी जी बात। उसके बाद है ग्लॉटल, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, मैनर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, अ साउंड प्रोड्यूस इन स्पेस बिटवीन द वोकल फोल्ड्स, ठीक है, जो हलक से आवाज निकलती है उनको ग्लॉटल बोलते हैं। जैसे कारी साहब, जब आपने नूरानी कायदा पढ़ा हो तो वो कहते थे जी पढ़े हक, आप पढ़ते थे हक, वो कहते थे नहीं हलक से आवाज निकल हक, समझ आ रही बात की। तो वो जो हलक से ह साउंड निकलती है, और ये एक ही साउंड है जो ग्लॉटल है, वो एच साउंड है ह, ठीक है जी। तो ग्लॉटल साउंड्स, वो वाली साउंड्स जो आपके हलक से निकलती हैं, वोकल फोल्ड्स के दरमियान से निकलती हैं, उनको ग्लॉटल्स कहते हैं। उसके बाद है ग्लॉटल स्टॉप, अ साउंड प्रोड्यूस व्हेन द एयर पासिंग थ्रू द ग्लॉटल्स इज स्टॉप्ड कंप्लीटली देन रिलीज्ड, ठीक है जी। ये आपने प्लोसेस में पढ़ा होगा, ये ह जो है ये ग्लॉटल स्टॉप भी है, ठीक है। उसमें से अगर देख लीजिएगा जो मैंने आपको फोनेमिक चार्ट जो है वो सेंड किया था, वीडियोस में भी था, और उसमें जो है क्या उसको कहते हैं वो मैंने मैथ को जो फाइल सेंड की थी वो अगर उसने शेयर की है तो उसमें भी होगा। उसके बाद है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस क्या है, ये वोकल फोल्ड्स के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको ग्लॉटिस बोलते हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। गोल, अब ये फिर जो पीछे हमने एक्सपीरियंसर पढ़ा था, एजेंट की आप अगर डेफिनेशन पढ़ें पेज वन में, एजेंट मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये जो प्रीवियस पेजेस हैं इसकी वीडियोस वगैरह पढ़ी हैं उधर चैनल मेरे पे, आप वहाँ से वो सेंड भी मेरा ख्याल है लिंक किया हुआ है उमैद ने आपको, तो आप जो है वो चेक कर लें, वहाँ से देख लीजिएगा सारी, मतलब पेज वाइज सारी ग्लॉसरी डिस्कस हुई हुई है। अच्छा, अब हम देखते हैं गोल, ये अब थोड़ा सा जेन में लेकर आए जो अभी हमने पीछे एक्सपीरियंसर पढ़ा था और उससे पहले जो हमने एजेंट पढ़ा था। तो द सिमेंटिक रोल ऑफ द नाउन फ्रेज आइडेंटिफाइंग वेयर एन एंटिटी मूव्स टू,
कि वो जो एंटिटी है वो मूव किधर कर रही है. द बॉय वॉक टू द विंडो. ठीक है, अब किधर मूव कर रहा है जी बॉय? विंडो की तरफ. तो ये द विंडो जो है ये आपकी नाउन फ्रेज है. एंड इट इन दिस सेंटेंस इट इज आल्सो कैन बी टेकन एज अ गोल. ठीक है, तो मूवमेंट आइडेंटिफाइंग एंटिटी वेयर एन एंटिटी मूव्स टू, जिधर आपकी मूवमेंट हो रही है. और ये अमूमन ज्यादातर मतलब नॉट एग्जैक्टली एक्यूरेटली लेकिन ज्यादातर ये आपका ऑब्जेक्ट ही होता है. ठीक है जी, उसके बाद है ग्रेडेबल एंटोनिम्स. एंटोनिम्स आपने पढ़ा हुआ है. एंटोनिम्स दो तरह के होते हैं, एक बाइनरी होते हैं और एक ग्रेडेबल होते हैं. ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे जो है वो ग्रेडेबल्स को देखना है. बाइनरी भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. एक होते हैं जोड़े की शक्ल में, जैसे मेल फीमेल. ठीक है जी, और मैरिड सिंगल या अनमैरिड. ये बाइनरी डिवीजन होती है एंटोनिम्स की. ठीक है, कुछ होती हैं एंटोनिम्स होते हैं लेकिन उनके दरमियान में भी कोई चीज आ सकती है. जैसे आप कहें कोल्ड एंड हॉट. ठीक है, अगर हम देखें कि एक एंड पे आप क्या ले रहे हैं, कोल्ड को ले रहे हैं, और एक एंड पे आप क्या ले रहे हैं, हॉट को ले रहे हैं. ठीक है, अब अगर आप कोल्ड से मूव करते हैं हॉट की तरफ तो ये कंटिन्यूम बनता है. ठीक है जी, अब आई एम ट्राइंग टू शेयर स्क्रीन. जी ये व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है कि नहीं? One minute, please. White board नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा. अब इसमें ग्रेडिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको जरा जहन में रखिएगा, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ग्रेडिबल क्या होता है और बाइनरी क्या होते हैं. ठीक है जी, स्क्रीन आ रही है आपको नजर? Yes, sir. ये है आपका हॉट. ठीक है जी, और ये है आपका कोल्ड. ठीक है जी, ये है आपका मैरिड और ये है आपका सिंगल. ठीक है जी, अब देखें मैरिड और सिंगल के दरमियान में तो कोई चीज नहीं है. क्या आती है अपनी तरफ से ना बना रहे कि आप कहेंगे सर वो एक इंगेज्ड भी होता है. ठीक है, लेकिन इसके टू एक्सट्रीम्स हैं. ठीक है, मैरिड और सिंगल के दरमियान में कुछ नहीं होता, या बंदा शादीशुदा होता है या सिंगल होता है. ठीक है, लेकिन अगर आप हार्ट एंड कोल्ड में जाएं तो आप देखेंगे कि अगर हार्ट की तरफ से आप मूव करते हैं तो ये लेस हॉट होता चला जा रहा है. यहाँ पे दरमियान में आके ये नॉर्मल हो जाएगा. पानी पानी की अगर हम बात करते हैं, चाय कॉफी वट एवर. ठीक है, तो अब आगे अगर हम जाते हैं तो ये इधर को क्या होता जा रहा है, कोल्ड होता जा रहा है. अब हॉट एंड कोल्ड के दरमियान में भी स्टेजेस हैं. अगर हम इसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करें तो यहाँ पे लेस हॉट है, यहाँ पे नॉर्मल है, लेस हॉट. ठीक है, नॉर्मल है और फिर यहाँ पे लेस कोल्ड है और यहाँ पे कोल्ड है. ऐसे ही है जी. तो ये है एंटोनिम्स ही, हॉट एंड कोल्ड एंटोनिम्स ही है, लेकिन ये बाइनरी एंटोनिम्स नहीं है, ये ग्रेडेबल एंटोनिम्स हैं. और ग्रेडेबल एंटोनिम्स वो होते हैं जिनमें क्या होता है कि आपकी सारी चीजें जो हैं वो आपके सामने आपको नजर आती हैं, किया जा सके जस्ट ग्रेडेड दैट. हाँ जी, दैट कैन बी फर्दर ग्रेडेड इनटू वेरियस फॉर्म्स. क्लियर होगी जी. अब ग्रेडेबल एंटोनिम्स इस तरह के एंटोनिम्स होते हैं. ये आप सिमेंटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, सिमेंटिक्स का जो चैप्टर है उसमें सेंस रिलेशन है. जैसे सिनोनोमी, एंटोनोमी, पॉलीसीमी और मिटोनोमी, इस तरह की जो है वो टर्म्स जो है वो आपने पढ़ी होंगी. तो ये सेंस रिलेशन कहलाती हैं, और सिनोनोमी एंटोनोमी वगैरह. क्लियर होगी जी, ग्रेडेबल एंटोनिम समझ आ गई आपको. उसके बाद है ग्रामर. ग्रामर माशाल्लाह से आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं. मैं अब सूरज को चिराग दिखाने से रहा. द एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेज एंड सेंटेंसेस. फ्रेज एंड सेंटेंसेस का जो एनालिसिस होता है वो ग्रामर कहलाता है. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, जो बच्चे आप जो आपके टीचर्स हैं, आप में से मोस्टली आप माशाल्लाह से टीचर्स हैं बच्चों, और इंग्लिश के टीचर हैं, तो बच्चों को जब आप ग्रामर सिखाते हैं तो आप उनको क्या कहलाते हैं, कैसे टेंसेस करवाते हैं.
आप उनको कहते हैं जी फिकरा बनाए, तो सबसे पहला बच्चा फिकरा क्या बनाएगा? जैसे मैं आपको कहता हूँ कोई बच्चा बीच में से फिकरा बनाए जी, कोई एक फिकरा बना दे फटाफट। आई गो टू कॉलेज, देखा ना, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, आई गो टू कॉलेज, ये जरा थोड़ा सा अच्छा कर दिया आपने, नहीं तो आपने बनाना था आई गो टू स्कूल। ठीक है, अब माशाल्लाह से सारे टीचर्स हैं, मैं छोटा सा मशवरा आपको दे दूं, यहाँ पे आपकी टीचिंग स्किल जरा अच्छी हो जाएंगी। आप माशाल्लाह सारे इंग्लिश टीचर्स हैं, देखें कुछ चीजें होती हैं स्पॉन्टेनियस, जैसे आप माशाल्लाह से जिन्होंने भी फिकरा बनाया, ये कोई बच्ची तो नहीं है, ठीक है, माशाल्लाह से खुद भी टीचर होंगी, मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हमेशा मैंने जब भी किसी से कहा है ना कि फिकरा बनाए, उन्होंने यही फिकरा बनाया है कि वो स्कूल जाता है, वो कॉलेज जाता है। खुदा के लिए इस चीज से बाहर निकल आए। अगर आपने बच्चों को ग्रामर सिखानी है और टेंसेस करवाने हैं, अगर आपने बच्चों को टेंसेस सिखाने हैं और आप सिखाते भी होंगे, उनको खुदा के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, माने या ना माने, उनको इन कुछ जो स्पॉन्टेनियस सेंटेंसेस होते हैं ना, इनसे बाहर निकालें। अपनी क्लास में जब भी आपने फिकरा बच्चे को बनाना है, उसके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिख लें आना जाना खाना पीना पढ़ना खेलना, कि बच्चों इससे फिकरा नहीं बनाना आपने। ठीक है जी, अब होगा क्या, वो फिकरा सोच के बनाएगा। ठीक है, जब सोच के बनाएगा तो वो टेंस सीखेगा। ये स्पॉन्टेनियस होते हैं कि मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, अब एक ही टेंस में आप बच्चों को 12 के 12 सेंटेंसेस टेंसेस करवा देते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल गया, मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ। अभी इस तरह से बच्चों को टेंसेस नहीं आने, आप जितना मर्जी जोर लगा लो। ब्रिंग द वैरायटी ऑफ द वर्ब्स बिफोर योर स्टूडेंट्स, उनको वर्ब्स दें, उनको कहें कि जी ये वर्ब्स हैं, इनसे फिक्रे बना के लाओ। मैं देखता हूँ कि बच्चा कैसे टेंस नहीं सीखता। हम बच्चों को लगा ही इस तरह से देते हैं कि वो स्कूल जाता है, उस बच्चे ने, आप देखें ना जिन्होंने फिकरा ये बनाया, मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था, इसलिए मैंने जानबूझ के पूछा है। ठीक है, तो ये आप मतलब ये वो है, ये सोच के आपने नहीं बनाया। बच्चों को कहें कि बेटा ये वाली चीजें जो हैं, ये वाले वर्ब जो हैं, ये हमारी क्लास में बैन है, इससे आपने फिकरा बनाना ही नहीं है। अब बच्चा सोच के बनाएगा, और जब सोच के बनाएगा फिर वो सीखेगा। और द थिंग सर, आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन जी सर, फॉर इंस्टेंस आप क्या समझते हैं कि बच्चों को जो है वो उर्दू टू इंग्लिश टेंसेस बनवाना इजी है या इंग्लिश टू इंग्लिश, मतलब उससे बात कम्युनिकेट आप इंग्लिश में करो तो वो उस चीज को ज्यादा पिक करेगा, या कि उसको? मैं आपका सवाल समझ गया, मैं उसका जवाब देता हूँ। आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, कि वो आपका सवाल मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। ठीक है, देखें यही अभी बात जहाँ से शुरू हुई है ना, ये यही से ही हम इसका इख्तिताम भी इसे ऐसे ही करेंगे। देयर आर वेरियस वेज आप माशाल्लाह से पढ़ाते हैं, डिडक्टिव मेथड है, इंडक्टिव मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है कि हमारे बच्चे जो हैं वो बाइलिंगुअल हैं शुरू से ही। ठीक है, उनको अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाएंगे तो वो समझ ही नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ना उनके उन्होंने घर में इंग्लिश बोलनी है, ना उन्होंने स्कूल में इंग्लिश बोलनी है, सिर्फ क्लास में हमने। तो फिर हमारे पास जो मेथड बचता है ना इन बच्चों के लिए, जो हमारे मतलब मीडियोकर लोग हैं, जैसे हम गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनमें, प्राइवेट का तो फिर चले अच्छे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा बच्चे भी, पेरेंट्स भी जो है बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप इंग्लिश टू इंग्लिश कर भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे GTM मेथड जो ये ग्रामर जो अभी हमारा आ रहा है ना, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसको कहते हैं GTM मेथड, ये ही कामयाब है। समझ रहे हैं बात को, कि आप एक फिकरा बनवाएं, उसकी मदर टंग में बनवाएं या उर्दू में बनवा लें, फिर आप उसको ट्रांसलेट करें, उसको रूल्स वगैरह बताएं, वट एवर जो भी हैं। ठीक है, फिर आप उसको ट्रांसलेट करें। तो खुदा के लिए अगर आपने बच्चे को टेंसेस सिखाने हैं, तो एक बच्चे को एक टेंस के 200
सेंटेंसेस कम अज कम करवाएं और हर सेंटेंस में आपका वर्ब डिफरेंट हो। बहुत सी बुक्स हैं एक्सरसाइजेस की, 2-3 बुक्स उनको ले दें, उनको कहें कि इनमें से फिक्रे बनवा के लाओ, प्रैक्टिस करके लाओ, और एक वर्ब जो उसने यूज कर लिया है दोबारा उसको कहें कि ये तुमने यूज नहीं करना। मैं आपके साथ शर्त लगा के कह सकता हूँ कि वो बच्चा आपके टेंसेज ऐसे सीखेगा कि सारी जिंदगी आपको दुआएं देगा। ये वाला कोई तरीका नहीं कि मैं स्कूल गया, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। ये प्लीज इससे बच्चों को निकालें। आप माशाल्लाह से सारे पढ़ाते हैं तो ये मेरी एक अम्बल सजेशन है। तो आप बेशक GTM मेथड यूज करें लेकिन बच्चे को वैरायटी ऑफ वर्ब्स दें, ठीक है। और अपनी क्लास में आज से जो भी बच्चा पढ़ा रहे हैं अपनी क्लास में कल जाके उनको कहें कि ये वाले बच्चों वर्ड्स जो हैं ये बैन है, इनसे आपने फिक्रा नहीं बनाना। समझ आ गई बात को? अगर आप फॉलो कर लेंगे तो हो सकता है आपको भी कामयाबी हासिल हो और बच्चों का फायदा हो जाए। तो हम बात कर रहे हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये बचपन से ही हम ऐसे ही चलते चले आ रहे हैं, द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज टीचिंग विद वोकैबुलरी लिस्ट एंड सेट्स ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। जैसे हम क्या करते हैं सब्जेक्ट प्लस, एक्सक्यूज मी क्लास, आप में से ना किसी ने जो है वो विलियम जे लॉन्ग की बुक का कहा था, प्लीज उसकी बुक का इमेज जो है वो सेंड कर दें या बुक सेंड कर दें जिन्होंने भी कहा था। मैं सेंड कर दूंगा आपको ग्रुप में। एक्सक्यूज मी, टेस्ट डेट का कोई आईडिया कब होगा? आप कहाँ सेंड करेंगे ग्रुप? तो ओनली एडमिन्स के लिए। मैं तो आपको भेजूंगा ना, वो भेज। और सर वो दूसरी बुक भी जी। उसके बाद है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है ये ट्रेडिशनल वे है आपका इंग्लिश पढ़ाने का। जैसे आप वर्ड लिस्ट बच्चों को देते हैं, वोकैबुलरी लिस्ट दे देते हैं और साथ आप रूल्स वगैरह बता देते हैं, तो आप उन रूल्स के फॉलो करके बच्चा सेंटेंसेस बनाता है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इन शॉर्ट इसको GTM भी कहा जाता है। उसके बाद है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। हमने पीछे बात की थी कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस की। कॉम्पिटेंस होता क्या है? ये बेसिकली एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है। और यहाँ पे ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस क्या है? द एबिलिटी टू यूज वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स एक्यूरेटली एज पार्ट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। दो तरह की कॉम्पिटेंस होती है, एक होती है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस और एक होती है आपकी लिंग्विस्टिक्स कॉम्पिटेंस या ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। अब जो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस है बेसिकली या लिंग्विस्टिक्स कॉम्पिटेंस है, दैट इज द नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है जी। वो आपकी ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस कहलाती है, एबिलिटी टू यूज वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि आपको पता हो कि कब कहाँ कैसे बात करनी है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, द नेचर ऑफ लैंग्वेज। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आप क्या करते हैं कि आपने अपनी प्रिंसिपल से छुट्टी लेनी है, ठीक है। आप ऐसे ही जाते हैं, दरवाजे को ठुड्डा मारते हैं और वो दरवाजा थड़ाक से खुलता है, फिर आप एप्लीकेशन पकड़ते हैं, ऐसे वेव करते हुए अपनी प्रिंसिपल के सामने रखती हैं कि छुट्टी देनी है कि नहीं, तो क्या आपको छुट्टी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। पक्की पक्की छुट्टी शायद मिल जाए लेकिन वो छुट्टी नहीं मिलेगी। तो छुट्टी मिलेगी कैसे? जैसे औरतों की अगर हम बात करें, मर्दों का भी कोई इतना अच्छा हाल नहीं है, तो आप जाएंगे प्रिंसिपल से परमिशन लेंगे कि मे आई कम इन मैम या सर, ठीक है। फिर आप थोड़ी सी बात करेंगे, मैडम आज आपने कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए हैं, तो कहाँ से सूट खरीदा है, ठीक है। फिर आप कहेंगे कैसी हैं आप, फिर आप हल्की सी बात करेंगे कि मैडम जरा ना वो प्लीज दो ये ना वो ना ये वो, आप इस तरह से करके बात करेंगे और फिर एप्लीकेशन रखेंगे तो छुट्टी आपको मिलेगी, ठीक है। अब इसमें फर्क क्या है? फर्क है द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड द चॉइस ऑफ वर्ड्स। पहली जो मैंने आपको बात बताई, आपने ठुड्डा मारा, ठीक है, एप्लीकेशन उसके मुंह पे मारी, दैट इज नॉट द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड योर बिहेवियर इज नॉट एप्ट फॉर गेटिंग द फेवर, ठीक है। वो आपका जो दूसरा जो है, आप लोगों को आवाज आ रही है? सेशन थोड़ी देर बाद बंद कर दूं, दोबारा
जी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब इसमें मैंने आपको बताया है कि फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड द चॉइस ऑफ वर्ड, किसी से अगर आपने फेवर लेनी है तो भाई फेवर लेने के लिए आपको फेवरेबल वर्ड्स भी यूज करने चाहिए, ठीक है। अगर आपने किसी को थ्रेट करना है तो उसके लिए आपको वर्ड्स का चॉइस ऑफ वर्ड्स भी जो है वो थ्रेट करने वाली हो, ठीक है जी। तो ये जो इसको कहते हैं जो है वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कि आपको पता हो कि बात कैसे करनी है और अगर किसी से काम लेना है तो उसके लिए कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। तो जो ग्रामेटिकल नॉलेज होता है या आपकी एबिलिटी होती है वो आपकी कहलाती है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, ठीक है। और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए कि किससे कैसे क्यों कहां कैसे बात करनी है, दैट इज अ, और हर बात का एक वक्त होता है, याद रखें, ठीक है। बगैर वक्त के अगर आप बात करेंगे तो उस बात का वो वाला वजन नहीं रहेगा जो होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल इस पे बहुत सी डिटेल से बात हो सकती है, वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो नेक्स्ट इज ग्रामेटिकल जेंडर, अ ग्रामेटिकल कैटेगरी डेजिग्नेटिंग द क्लास ऑफ नाउन एज मैस्कुलिन और फेमिनिन और न्यूट्रल इन कंट्रास्ट टू द अदर टाइप ऑफ जेंडर। ग्रामेटिकल जेंडर, पीछे हमने जेंडर में भी एक कैटेगरी डिस्कस की है ग्रामेटिकल जेंडर की, जिसमें हम मैस्कुलिन और फेमिनिन के बारे में बात करते हैं और नाउन्स की होती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ग्रामेटिकल जेंडर, इसको मैं पीछे डिटेल से बता चुका हूँ इसलिए जरा आगे चल रहा हूँ। हैज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पेपर में कई दफा आई हुई है, तो जरा इसको ध्यान से आपने समझने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करके फिर आपने डेफिनेशन पढ़नी है। अब इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, वर्ड्स आर फ्रेज यूज टू इंडिकेट दैट यू आर नॉट रियली श्योर दैट व्हाट यू आर सेइंग इज सफिशिएंटली करेक्ट और कंप्लीट, ठीक है जी। एक होती है टर्न टेकिंग, एक होती है टैगिंग क्वेश्चन, एक होती है हैजेस। हैजेस में करते आप क्या है, आपने बात की, ठीक है, आपने कोई वर्ड बोला, आपने फ्रेज बोली, ठीक है, और आपको आप सामने अगले को बता रहे हैं कि दैट यू आर नॉट रियली श्योर, जो आप कह रहे हैं कि वो करेक्ट है भी या नहीं, ठीक है। आपकी बातों से ही पता चल रहा है, जैसे आप किसी को कहते हैं कि पूछ कह रहे हैं कि बोलते हुए, आप जरा स्टाइल पे, स्पीच स्टाइल पे जरा गौर कीजिएगा। मैं बाजार चली जाऊं, अब इसमें क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड जो ऐसे आप जो इंडिकेट करते हैं कि आप खुद श्योर नहीं है, ठीक है, कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो उसको जो है वो आप क्या कहेंगे, हैज, ठीक है। अब जरा आए, अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड इन ऑर्डर टू, एक मिनट जी, अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू इंडिकेट, सॉरी, a word or phrase used to indicate that you are not really sure that what you are saying is sufficiently correct or complete, ठीक है, कि जब आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको आगे से बात कर रहे हैं, उसको सवाल कर रहे हैं, जैसे टैग कर क्वेश्चन करते हैं ना, आप कहते हैं कि जी मैं बाहर जा रही हूं, क्या मैं चली जाऊं, ये है टैगिंग क्वेश्चन, ठीक है जी। और हैज जो है वो मतलब जो है वो स्पीकर और राइटर को अलाउ करते हैं कि आप कॉन्शियसली जो है उसको बात करें और वो आपको पता चल रहा हो सीधा आपकी बातों से कि आप जो है खुद श्योर नहीं है जो आप बता रहे हैं, ठीक है जी। और प्रैक्टिकल जैसे विल यू क्रैक ओपन द डोर, आई एम गेटिंग हॉट, अब ये दिस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ द हैजेस। उसके बाद है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की से निकला है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरी जो आपकी चीजों की मैनेजमेंट होती है, तरतीब होती है, उसको कहते हैं द एनालिसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन अ सेंटेंस शोइंग विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर हायर
देन एंड कंटेन अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इसमें देखें, थोड़ा सा मैं आपको वापस लेकर चलूंगा यहाँ पे, सॉरी, इसमें ये आपका सेंटेंस है, ठीक है। कभी ट्री डायग्राम बनाई है आपने? इसमें नाउन फ्रेज है, फिर आपकी वर्ब फ्रेज है, इसमें आगे आपका नाउन अलग हो जाता है, सॉरी डिटर्मिनल अलग हो जाता है और नाउन अलग हो जाता है, इसमें वर्ब अलग हो जाता है और आपकी नाउन फ्रेज जो है वो अलग हो जाती है, ठीक है जी। अब ये हायरार्की है पूरी के, पहले सेंटेंस आएगा, फिर फ्रेज आएगी, फिर उसके आगे जो चीजें हैं वो आएंगी, ठीक है। तो ये हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जब एनालिसिस करते हैं, सिंटैक्स में आप पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर भी पढ़ेंगे, उसमें आप जो है वो पढ़ेंगे आईसी एनालिसिस, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस भी पढ़ेंगे, उसमें जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की एक तरतीब होती है उसको जो है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। हायरार्की से निकला है, द एनालिसिस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन अ सेंटेंस शोइंग व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर हायर देन एंड कंटेन अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ऊपर आएगा, उससे जो सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके वो नीचे आएंगे, और उनसे जैसे सबसे ऊपर अगर आप सेंटेंस लगाते हैं तो नीचे आपके वर्ड्स आएंगे, वर्ड से नीचे अगर आप आए तो फिर आपकी साउंड्स आएंगी या लेटर्स आएंगे। तो ये एक पूरी तरतीब सीक्वेंस बनती है, उसको आप कहेंगे हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है आपका होलोफ्रास्टिक या अटरेंसेस भी हैं। A single form functioning as a phrase sentence in each speech of a young children. अब होता क्या है कि बच्चे जो हैं, होलोफ्रास्टिक ये एक स्टेज है साइकोलिंग्विस्टिक्स में, उसमें क्या होता है वन वर्ड स्टेज होती है, बैबलिंग होती है, ये आपने पढ़ी होगी, ठीक है। एक बच्चा जब एक सेंटेंस या एक वर्ड बोलकर पूरा सेंटेंस आपको समझा दे तो वो जो स्टेज है या वो जो फॉर्म है वर्ड की जो कि पूरी फ्रेज या सेंटेंस की जगह पर इस्तेमाल करता है बच्चा और आप समझ जाते हैं। जैसे वो फर्ज करे वो कहता है दुद्दू, अब इसका क्या मतलब है, आप समझ गए ना उसको क्या चाहिए, ठीक है। तो वो जो है वो उनकी जो ये फॉर्म ऑफ वर्ड्स जो है वो जो यूज करता है और वो फ्रेज जो है वो पूरे सेंटेंस को शो करती है उसको होलोफ्रास्टिक कहा जाता है, ठीक है जी। क्लियर होगी, इसको अभी यहाँ तक रखते हैं और इसके बाद हम जो है थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है फर्दर एक पेज जो है उसको करेंगे। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, लेट मी अनम्यूट ऑल ऑफ यू जी। सर हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन का एक दफा बता दें। हाँ जी, इसमें होता क्या है कि जो सबसे बड़ा है वो ऊपर, उससे छोटा फिर नीचे, उससे छोटा फिर नीचे। जैसे अगर आप सेंटेंस को ऊपर रखते हैं तो सेंटेंस किससे मिलकर बनते हैं, वर्ड से, तो वर्ड उसके नीचे आएंगे, वर्ड्स किससे मिलकर बनते हैं, साउंड्स को। तो जब इस तरतीब से पढ़ेंगे तो ये इसको वो वाली ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। होप यू आर आंसर्ड जी। एनी अदर क्वेश्चन, वी हैव ओनली 5 मिनट्स। सर होलोफ्रास्टिक इनको सर काइंडली थोड़ा सा डिफाइन कर दें। उसमें बच्चा जब वन वर्ड स्टेज पे होता है ना तो वो पूरा सेंटेंस नहीं बोल सकता, ठीक है। जब वो पूरा सेंटेंस नहीं बोल सकता तो वो एक वर्ड जो है एक अटरेंस बोलकर आपको पूरा वर्ड पूरा सेंटेंस या अपना बात जो समझा लेता है, तो उसका वो बोले जाने वाला एक वर्ड जो है वो होलोफ्रास्टिक कहलाता है। होप यू आर आंसर। सर मुझे एक काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है जी। Sir, it's my humble request to you that when the namaz time, please break, give me for 5 to 10 minutes. Just like अभी आप दे रहे ना उस time अगर दे देते तो ज़्यादा बेस्ट भी late भी हो जाता है। मुझे उमैद ने बताया ही नहीं है कि ये वो वाला session नहीं है। मैं तो खुद break का wait कर रहा हूँ कि 40 minutes बाद जो है ये खत्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो मुझे खुद ही कहना पड़ा है। सर अब तो हमने थोड़ा सा लेक्चर छोड़ के पढ़ लिया नमाज, तो अब ना दे ब्रेक, अब कंटिन्यू करते हैं। नहीं तो मैं भी इंसान ही हूँ, मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम। यार अच्छा होता कि हम बात कर लेते, सब यही चाह रहे थे, मैं खुद ऐसे ही उठ के चला गया। सर ये एक लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन था, वो उसका थोड़ा सा पूछना। जी जी जी
सर ये क्वेश्चन आया हुआ था व्हाट आर द टू लेवल्स ऑफ लैंग्वेज रेफर्ड टू बाय द टर्म आइडेंटिटी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी ऑप्शन ए ऑप्शन बी साउंड एंड मीनिंग ऑप्शन सी मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स एंड ऑप्शन डी स्ट्रक्चर एंड यूज रिपीट फिर कर देता हूँ सर व्हाट आर द टू लेवल्स ऑफ लैंग्वेज रेफर्ड टू बाय द टर्म आइडेंटिटी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी है साउंड एंड मीनिंग है या मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स है स्ट्रक्चर एंड यूज इसमें कौन सा ऑप्शन है आइडेंटिटी ये मॉर्फोलो जरा अगर लिख के आप सेंड कर दें तो या दोबारा रिपीट कर दें इसको मैं सर ये व्हाट आर द टू लेवल्स मैं को ना वो ग्रुप में से मैसेज कर दें मैं अभी देख के आपको उधर ही होगा चल चल ठीक है हाँ जी अगला कोई क्वेश्चन है आपका तो बताइएगा ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स की बात करेंगे सर उसमें इंसर्शन और सब्स्टिट्यूशन में क्या फर्क है हाँ जी सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है जैसे आपने फिकरा बनाया ही ईट्स मैंगोज या आप कहें कि जी द आई हैव लर्न्ड द पोएम ठीक है द पोएम हैव बीन लर्न्ड बाय मी इसमें कुछ चीजें आपने नहीं डाली हैं वो इंसर्शन होगी सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आपने एक चीज जो पहले मौजूद थी उसको आपने उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज लेकर आए ठीक है और ये भी याद रखें कि हर सेंटेंस में सारे रूल्स जरूरी नहीं कि फॉलो हों किसी में दो फॉलो होंगे किसी में तीन फॉलो होंगे ठीक है इंसर्शन का मतलब है टू ऐड समथिंग न्यू इन अ सेंटेंस वन थिंग और सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आप उसको निकाल के उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट है ना जैसे आप स्कूल से छुट्टी करते हैं तो वो आप एप्लीकेशन में कहते हैं अपना सब्स्टिट्यूट दे के जाएं ठीक है तो वो आप अपनी जगह पे कोई बंदा दे के उनको जाते हैं तो फिर आपको छुट्टी मिलती है ठीक है जी ये सब्स्टिट्यूशन सर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या चीज होती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे आप जब बनाने लगती है ना बिरयानी तो उसमें आप चावल भी डालती हैं उसमें आप मुर्गी भी डालती हैं उसमें आप मसाले भी डालती हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसी तरह सेंटेंस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो उसके वर्ड्स होते हैं साउंड्स होती हैं ठीक है और फ्रेजेस होती हैं क्लियर होगी बात कि अभी भी है कोई मतलब आई होप यू आर आंसर सर प्लीज सेंस रिलेशंस के में थोड़ा बता दीजिए हाँ जी सेंस रिलेशन थैंक यू सो मच सर जी सेंस रिलेशन जो है उसमें ये सर जो आप बुक पढ़ा रहे हैं वो कौन सी बुक में से करवा रहे हैं ये आपकी बुक है जॉर्ज यूल की स्टडी लैंग्वेज ये सेंड की हुई है पहले ऑलरेडी उमैद ने दोबारा उसको मैं कहता हूँ वो आपको सेंड कर देता ग्रुप जॉर्ज यूल की बुक है हाँ जी अगला सवाल प्लीज सेंस रिलेशन की आप बात कर रहे थे तो सेंस रिलेशन में सिमेंटिक्स जब आप पढ़ते हैं तो सिमेंटिक्स में एक टॉपिक है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स ठीक है जी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स या फिर सेंस रिलेशन ये जो सिनोनिमी है एंटोनिमी है पॉलीसीमी है और होमोफोनी है होमोफोन से होमोनिमी है ये सारे सेंस रिलेशन है इनको जरा अच्छी तरह से आपने पढ़ के जाना है ठीक है इनमें से एक सवाल लाजमी आना है जी अगला क्वेश्चन प्लीज सर ये एक आपने बताया फिलर्स के बारे में फिल्ड पॉज के बारे में बताया जी सर एक गैप फिलर्स जैसे होते हैं वेल हो गया ओके एक रिजॉइंटर भी होते हैं सर तो ये उनमें डिफरेंस क्या है या ये वही है सर ये ऑलमोस्ट सारे सेम है थोड़ी हल्की फुल्की इनके अंदर जो है ना वो डिफरेंसेस हैं बेसिकली ये फील्ड पॉज ही होते हैं कि जब आपको स्पेस मिलती है पहले तो आप देखें कि कॉन्वर्सेशनल एनालिसिस क्या होता है ठीक है कॉन्वर्सेशनल एनालिसिस ये होता है कि मैं और आप बात कर रहे हैं हमारी बात अगर हमारी दोनों की डिस्कशन के दौरान पॉजेज ज्यादा हैं साइलेंस ज्यादा है तो इसका मतलब है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते नहीं हैं फॉर्मल वे में हम बात कर रहे हैं ठीक है अब इसमें जितनी फिलर ज्यादा होंगे उतनी आपको पता चलता जाएगा कि आपका स्पीकर और जो हेयरर है उसका रिलेशनशिप क्या है ठीक है तो ये सारे फिलर्स जो हैं ये आपकी कॉन्वर्सेशनल एनालिसिस का पूरा एनालिसिस करके आपको बताते हैं आपकी मेंटेलिटी आपका स्टेटस आपका रिलेशन आपकी जेंडर आपका इन्वॉल्वमेंट ये सारी चीजें इसी में आ जाती हैं अगर आप आंसर हो गए हैं तो बता दीजिएगा नहीं तो मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा जी सर थैंक यू सर सर एलियन को थोड़ा सा
इलीजन जो है, इलीजन देखिए मेरी बात सुने, आप खुद क्या करती हैं? जिन्होंने सवाल पूछा है, मापारा आपने पूछा है? यस सर मैंने पूछा है। हाँ जी, आप देखें टीचर जब आप बोलते हैं, यस सर, ठीक है, या आप बोलते हैं कार, ठीक है, अब अगर आप इसको, इसकी प्रोनंसिएशन देखें, इसकी मतलब ट्रांसक्रिप्शन देखें, तो जो र साउंड है वो ब्रैकेट में दी होगी ट्रांसक्रिप्शन अगर आप पढ़ें, ठीक है, उसका मतलब है कि ये बोली नहीं जाएगी, ये ट्रिम हो जाएगी बोलते हुए, तो हर वो साउंड सेगमेंट जो बोलने के दौरान, प्लीज ये जरा इसके पीछे शोर है, ये म्यूट कर लें खुद को, तो वो जो साउंड ट्रिम हो जाएगी, जैसे टीचर आप नहीं बोलते, आप बोलते हैं टीचर, चर नहीं बोलते, वो जो रा ट्रिम हुई है वो इलीजन है। यस यू आर आंसर म्यूट साउंड सिरे से गायब कर देते हैं, असिमिलेट में हम दोनों साउंड को मर्ज कर देते हैं। ये जो किचन में गया हुआ है बच्चा, ये काइंडली म्यूट कर ले खुद को। सर सॉरी, किचन में ही है ना आप? जी सर, देख लें फिर मुझे पता चल गया। अच्छा, सवाल पूछा था इलीजन और असिमिलेशन में डिफरेंस, ठीक है, अब असिमिलेशन जो है उसमें होती है कि साउंड अगली और पिछली साउंड आपस में मर्ज हो जाती है, जैसे आप बोलते हैं ना बैड बॉय, अब बैड में ड साउंड एंड पे है और बॉय में ब साउंड शुरू में है, ठीक है, उसका फाइनल आपने कोटा पोजिशन पे वो लेना है और उसमें आपने ऑन सेट में लेना है, उसका जो फाइनल आपका कॉन्सोनेंट है और उसका इनिशियल कॉन्सोनेंट जो है वो मर्ज होके एक नई साउंड क्रिएट कर देता है, जैसे आप बैड बॉय नहीं बोलेंगे, गोरा बोलेगा बैड बॉय, अब वो ड को द में चेंज कर देगा, ये जो मर्जिंग है साउंड्स की इसको असिमिलेशन बोलते हैं, और इलीजन जो है वो तो ट्रिमिंग है। एक सवाल और लूंगा प्लीज, क्लिपिंग सर, थोड़ा सा क्लिपिंग में और इलीजन में थोड़ा सा डिफरेंस बताओ। नहीं, क्लिप करते हैं जो ऐसे, क्लिप तो और चीज है ना, क्लिप तो आपका वो कॉन्सेप्ट ही मॉर्फोलॉजी का है, ठीक है ना, अगर आपको उसकी डेफिनेशन याद है तो क्लिपिंग जो है वो मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है और ये जो है ये फोनेमिक प्रोसेस है, ठीक है, उसको इसके साथ ना आप मैच करें। ठीक जी, ठीक है जी, हम ब्रेक लेंगे प्लीज 10 मिनट्स, और उसके बाद जो है हम फर्दर जो पेजेस हैं दो कोशिश करेंगे दो करने की। होप यू हैव गॉट द आइडिया, जो मतलब आपके पेजेस पीछे से रह गए वो वीडियोस आप देख लें, तो थोड़ी बहुत आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो सी यू आफ्टर 10 मिनट्स, ओके जी। अल्लाह हाफिज़।